विदिशा जिले के पठारी में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रविवार बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं महंगाई के मुद्दों पर घर घर द्वार द्वार जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। ब्लॉक कांग्रेस ने मोटरसाइकिल एवं गैस सिलेंडर पर फूल माला डालकर महंगाई का विरोध किया एवं केंद्र में एवं राज्य में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति का विरोध किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने कहा कि जहां केंद्र में एवं राज्य में भाजपा की सरकार स्थापित है एवं दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उनको सोचना चाहिए कि आम जन गरीब किसान के साथ क्या हो रहा है। उनको महंगाई कम करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस हर जगह पर ब्लॉक में महंगाई के विरोध में जन आंदोलन कर रही है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। देखो, सीधी सीधी बात है, देश में और प्रदेश में दोनों बीजेपी की सरकार है और महंगाई इस तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है, वे हताशा जिसकी आम जनता पर बहुत बुरी मार पड़ रही है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है, इसलिए सरकारों पर सरकार महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार सोई हुई है और सरकार सोई हुई सरकार को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गैस सिलेंडर रखकर मोटरसाइकिल में जो आम जनता पेट्रोल नहीं डरवा पा रही उसको रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार को मैसेज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम करे जाएं और आम जनता को सीधी सीधी राहत पहुंचाई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।